काल मुस्लिम समुदायाविरुद्ध एक वक्तव्य करण्यात आलं आणि त्या वक्तव्याच्या विरोधामध्ये मुस्लिम समाज राहता शहरामध्ये एकवटलेला आहे। तालुक्यातून आलेली मुस्लिम बांधव या ठिकाणी मोर्चाने डीवायएसपींना निवेदन देण्यासाठी जमा झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता अतिशय मोठ्या प्रमाणात गर्दी आहे, हजारोंच्या संख्येने या ठिकाणी मुस्लिम समुदायातील नागरिक उपस्थित झालेले आहेत। शिर्डीचे डीवायएसपी शिरीष वमणे या ठिकाणी तळ ठोकून आहेत। आतमध्ये गुन्हा दाखल करण्याचं कामकाज सुरू आहे, त्यामध्ये कोणते सेक्शन्स लावावेत, कोणती कलमं लावावेत याबाबत विचार विनिमय सुरू आहे। परंतु नागरिकांचा संताप हा प्रचंड आहे। या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात घोषणा देण्यात आल्या, न्यायाची मागणी करण्यात आलेली आहे। अल्लाह के नबी के बारे में जो उन्होंने गलत वक्तव्य करे ना है उसका निषेध करने के लिए सब जमा हो गए हैं। अच्छा, क्या होना चाहिए था और क्या हो गए? अभी उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, गुनाह दाखिल होनी चाहिए उन पे, क्यों तो वो इस्लाम में ये जो नहीं है वो गलत बात उन्होंने उन पे आरोप करा है तो उसका निषेध भी होना चाहिए, उन पे गुनाह दाखिल होना चाहिए। जब तक गुनाह दाखिल नहीं होगा जब तक पब्लिक शांत नहीं होगी। हमको इंसाफ मांगता, जो भी हो गया जो महाराज ने बोले उसके ऊपर हमको इंसाफ मांगता, या महाराज को आप क्या भी करो इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं। क्या कहा महाराज? महाराज ने हमारे पैगंबर के वास्ते ऐसा अशब्द बोले, उसके लिए मैं बहुत नाराज हूँ। हमारे पूरी कौम नाराज है, उनके लिए हम निषेध करते हैं। बोलो बोलो, जो भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी गलत सलत अनशन बोले, उनके बारे में जो भी ये हुआ है, इससे सब मुसलमान समाज पूरा नाराज हुआ है। ये इंसाफ चाहता है, इनको इंसाफ चाहिए। क्या करना चाहिए? जो भी होता है, जो भी होता है, जो उन्होंने बोले उनके बारे में गलत बोले तो इसके बारे में सही इंसाफ होना चाहिए। अटक कर दो। हाँ, ऐसा यहाँ से आगे कोई बोलना नहीं चाहिए, ऐसा कोई उन पे ये करो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आप शब्द गंगागिरी महाराज ने बोला है उसका हम जाहिर निषेध करते हैं। पूरे कौम, पूरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौम के आगे हम ना बच्चे देखेंगे ना बूढ़े बुजुर्ग देखेंगे। जो भी कुर्बान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम सब कुर्बान होने के लिए तैयार है। हमारी बस यही एक बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी गंगागिरी महाराज ने आ शब्द बोला है माफी मांगो, या तो फिर हम खुद कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। उन पे गुना दाखिल करो इंशाल्लाह, नहीं तो कार्रवाई होगी इंशाल्लाह ये पद पे, और कोई कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। अभी ये पॉलिटिकल व्यू, अभी इतना सब हुआ है, इसके पहले 2014 में भी एक किस्सा हुआ था। सरकार पर शांत बैठी है तो हमको सरकार को भी जवाब देना है, इंशाल्लाह हम जवाब दे के रहेंगे। मैं आपसे बहुत आजीजाना और मुखलिसाना दरख्वास्त कर रहा हूँ, बहुत सुकून के साथ संजीदगी के साथ हम अपनी जो चाहते हैं जो ख्वाहिशें अल्लाह के अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तही जो मोहब्बत का और वालिहाना जज्बात है वो इत्मीनान से रखेंगे इंशाल्लाह, बहुत इत्मीनान से रखेंगे। और भी डिपार्टमेंट से यही दरख्वास्त है और बहुत आजिजाना दरख्वास्त है कि वो कल के जो आरोपी है रामगिरी महाराज उन पर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए, इसलिए कि हमारे इस मुल्क में बार बार नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दादी को निशाना बनाया जा रहा है। और हम ये बात का इजहार करते हैं कि देखिए इस मुल्क में हम बाय चॉइस नहीं है, बाय चॉइस है बाय चांस नहीं, और इस मुल्क ने अपने मजहबी दीनी मामलात के साथ रहने का पूरा हक हमें दिया है। हम हमारे मुल्क की बहुत कदर करते हैं और मुल्क को अजीज रखते हैं। हमारे इस मुल्क में ऐसी होने वाली घटनाएं बेहद मज़मूम है और हम उसका पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हुकूमत वक्त से और कानून और डिपार्टमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे लिए आज आरोपी पर गुनाह दाखिल करें, जब तक गुनाह दाखिल नहीं होगा इंशाअल्लाह अल अजीज हम यहाँ से नहीं हटेंगे।